रक्षाबंधन पर राखियों की बिक्री न हो पाने के कारण थोक और फुटकर दुकानदारों में काफी मायूसी देखने को मिली है। जहां दुकानदारों ने पिछले वर्ष अच्छी खासी कमाई की थी, वहीं इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों की संख्या काफी कम रही, जिससे बिक्री काफी प्रभावित रही और दुकानदार दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा, घंटाघर अलीनगर सब टोटल राखी बेच रहे हैं। नौशाद अहमद, राखी में ये हुआ है कि इस लॉकडाउन की वजह से समझ लीजिए कि 30% माल भी मेरा नहीं बिक पाया है, और जो माल आया था उधार जो माल आया था वो भी पूंजी सब फंस गई। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम चलेगा, और इस माल को अब हमको एक साल तक हिफाजत से रखना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि इस साल तक कुछ उम्मीद है कि मतलब बिक जाएगा? अगर कुछ होता तो बिक जाता, मगर लॉकडाउन की वजह से। आपने क्या कहा के द्वारा क्या निर्देश मिला आपको? निर्देश कल रात में तो हमको खुशी हुई थी कि राखी की और मिठाई की दुकानें जैसे खुल जाएंगी तो कुछ ना कुछ आज हल्का हो जाएगा। सुबह तक क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? और सुबह से स्थिति देख के लग रही है कि हमको कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि पेपर में आ गया है कि गोरखपुर में जो है नहीं है, नहीं खुलेगी दुकानें राखी की मिठाई की। मनीष कुमार पटवा, लॉकडाउन का तो 70% प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कल जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि मिठाई और राखी की दुकानें खुलेगी, इससे सारे व्यापारियों के मन में उत्साह जाग गई थी कि कल के दिन खुलेगी, कुछ माल खसक जाएगा। लेकिन आज सुबह जो बयान DM साहब का आया कि लॉकडाउन कोरोना महामारी के संक्रमित लोग फैल रहे हैं, गोरखपुर लॉकडाउन नहीं खुलेगी दुकानें, इससे थोड़ी कष्ट हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोरोना को अगर बचाना है तो घर के अंदर रहना है। अजय कुमार गुप्ता, बहुत ख़राब स्थिति हम लोग का है, पूरा माल फंसा हुआ है, कोई ग्राहक नहीं है। सुबह से अभी तक कितने ग्राहक आ चुके हैं? अभी तक, अभी समय 10 बजे दुकान खोला हूँ, अभी तक बोनी नहीं हुआ है मेरा। क्या लग रहा है कि कैसे मतलब बिक्री हो जाएगी? हमें तो उम्मीद नहीं लग रहा, अभी तो कोई ग्राहक नहीं है, चारों तरफ से लॉकडाउन है, घिरा हुआ है, ग्राहक आ ही नहीं पा रहे हैं किधर से। संजीव कुमार गुप्ता, ग्राहकों की क्या स्थिति है? कोई स्थिति नहीं है, कोई भी ग्राहक नहीं है, उधार माल लेके आए महाजन से, अभी सब फंसा हुआ है, पूंजी तो देना ही देना है, वापसी कोई होती नहीं है, जो भी पूंजी है ब्लॉक है। सुबह से कितने लोग अभी? एक ग्राहक नहीं, अभी बोनी तक नहीं हुआ है, आगे क्या स्थिति है? क्या लग रहा है कि कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, सब पूंजी घर से, कब कर्जा लिए हैं, सब देर भरना तो है ही है, माल तो कोई वापसी होगी नहीं। राम जी, 150 रुपया बिका होगा,
सुबह से। कल राखी का त्यौहार कितने ग्राहक अभी तक आ चुके हैं और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, क्या स्थिति है लॉकडाउन की? बंदी की वजह से बिल्कुल ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। और जान लीजिए कहीं कहीं तो गोल गोल घर एकदम भीड़ सोमवार को था। यहाँ पे लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ रहा है इस लॉकडाउन से आपके? बिल्कुल ग्राहक नहीं है, बिल्कुल ही दुकानदारी नहीं है। लॉकडाउन से ज़्यादा पड़ रहा है, क्या लग रहा है शाम तक कितना बिजनेस होगा? शाम तक क्या गाँव के ही नहीं निकल रहे हैं, बहुत दूर है, 200-300 रुपये भी क्या आएगा। सुरेंद्र गाँव काफ़ी मेरे कस्टमर आई है, एक आदमी। कितना प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन से व्यापार पे? अभी तक कितनी बिक्री हो चुकी है? अभी कहाँ भी एक आदमी नहीं है कस्टमर। शाम तक क्या लग रहा है कितना बिक्री हो जाएगा? अरे 400-500 बिकेगा और क्या बिकेगा। आने अभी तक कितने ग्राहक आ चुके हैं? 2000 कस्टमर आए मेरा। हाँ राखी का दुकान तो हमने लगाया है लेकिन बहुत कुछ बिक नहीं रहा है। लॉकडाउन से कितना प्रभावित हो रहा है व्यापार? बहुत भैया बहुत। ग्राहकों की स्थिति क्या है? कितने ग्राहक? बहुत खराब है, समझ लीजिए 5%। क्या लग रहा है शाम तक कुछ बिक्री हो जाएगी? शायद नहीं है, वैसे तो उम्मीद दिख नहीं रहा है। ध्रुवचंद गुप्ता, लॉकडाउन की वजह से कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं सर, और सब लोग डरे हुए हैं कि कोई बीमारी ना हो जाए। लेकिन थोड़ा बहुत पर साल का राखी हम लोग लाए हुए थे और आपकी साल भी लाए हुए हैं तो लगा के बैठे हैं, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत निकल जाएगा, नहीं तो बाकी जो बचेगा फिर उठा कर रख देंगे। क्या लग रहा है कि शाम तक कुछ बिक्री हो जाएगी? थोड़ा बहुत उम्मीद है। लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है? बहुत ज़्यादा।